Hey guys, welcome back to my YouTube channel Beauty and Health with Pooja Rai. कैसे हैं आप सब? I hope बढ़िया होंगे. I know मैं बहुत दिनों के ब्रेक के बाद वापस आई हूँ YouTube पे. Reason being weather change वगैरह की वजह से मेरी तबीयत काफी down थी, but now I have started feeling better, so I am here for you guys. अभी आप ये जो मेरे लिप पे लिपस्टिक का शेड देख रहे हैं, ये वीडियो पर्टिकुलरली उसके लिए है, बिकॉज आई एम लविंग दिस शेड. मैं आजकल ऑफिस जाऊं या कहीं घूमने जाऊं, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैं थोड़ा सा रेडी हूं एंड आई एम गोइंग समवेयर विद माय फ्रेंड्स. सो आई हैव अप्लाइड दिस लिपस्टिक एंड दिस इज फ्रॉम द ब्रांड ब्लश बी. इसकी खास बात यह है कि ये बोला जाता है लिक्विड लिपस्टिक है, बट इट इज एक्चुअली वेरी लॉन्ग लास्टिंग, गिव्स यू क्वाइट मैट लुक एज वेल. और बिल्कुल भी आप खाना खाओ पियो, पूरे दिन लगा लो और इवनिंग तक काफी अच्छा लगा रहता है, ये हटता नहीं है. उसके बाद मैं आपको बताऊं तो इसकी क्वांटिटी भी बहुत अच्छी है. इसका जो एप्लीकेटर है ब्लश बी ब्रांड से है ये. मैं बताऊं एप्लीकेटर आगे से थोड़ा सा ऐसा टिल्टेड है, तो आपको शेप देने में, लिपस्टिक लगाने में बहुत ही ईज रहती है. सो दिस इज द प्लस पॉइंट. अपार्ट फ्रॉम दिस इसमें सल्फेट नहीं है, पैराबिन नहीं है, ये क्रुएलिटी फ्री है, एनिमल पे टेस्टेड नहीं है. और इसके बाद इसमें जैसे कि जोजोबा ऑयल, सीड ऑयल, ऐसी बहुत ही अच्छी चीजें पड़ी हैं, तो ये बहुत यू कैन से एक नेचुरल काइंड ऑफ ऐसा प्रोडक्ट है. केमिकल, हार्श केमिकल जैसी चीजें इसमें नहीं है और बहुत ही अच्छा शेड देता है. यू कैन से न्यूड में थोड़ा डार्कर साइड. मेरे लिप्स पे अगर आपको नहीं प्रॉपरली पता चल रहा है तो मैं आपको यहाँ लगा के दिखाती हूँ. इनका ये शेड है, थोड़ा सा कह सकते हैं ब्राउनिश है, बट येस नॉट एग्जैक्ट ब्राउन, दिस इज डिफरेंट. शेड का नाम मैं आपको बता दूं, ये है क्रश वे. 2 साल की इसकी एक्सपायरी पीरियड आपको मिलती है, तो काफी अच्छा खासा टाइम मिलता है लगाने के लिए. प्राइस भी इसकी जो है, क्योंकि क्वालिटी एंड क्वांटिटी अच्छी खासी है, 915 रुपीज है, बट ऑनलाइन आपको डिस्काउंट वगैरह मिलते रहते हैं, मैं लिंक शेयर कर दूंगी. अब आते हैं इनके बहुत ही अच्छा जो आई शेडो के लिए भी आप यूज कर सकते हैं, काजल, ब्लू काजल. ये मैंने अभी आंख पे तो नहीं लगाया है बिकॉज मेरे ड्रेस के साथ नहीं जा रहा था, बट यू कैन सी इट हियर. एंड मैंने इसको पहले भी लगाया हुआ है, बहुत ही अच्छा हेल्प करता है स्मोकी आई लुक देने में. प्लस इसमें जो चीजें यूज है ना, सारी नेचुरल इंग्रेडिएंट है, मतलब केमिकल नहीं है जो आपकी आंखों में जाए तो जलन जैसी फील हो. मैं आपको थोड़ी बहुत इसकी क्वालिटी बता भी देती हूँ. प्राइस इसकी है 450 रुपीज, वेरी अफोर्डेबल, क्योंकि बहुत लंबा चलता है डेली, तो आप ये ब्लू काजल लगाओगे नहीं. पर्टिकुलरली इफ यू लाइक इट देन दैट्स अ डिफरेंट केस. सो मैं आपको बताऊं इसमें जो स्पेशल चीज है जो मुझे बहुत अच्छी लगी, जैसा कि इनके लिपस्टिक में है, दैट इज ऑल्सो क्रुएलिटी फ्री, एनिमल टेस्टेड नहीं है, वीगन है ये, तो जो लोग वीगन है उनके लिए एक प्लस पॉइंट है, दे आर सर्चिंग एनी प्रोडक्ट लाइक दिस, तो ये प्योरली वीगन है. एंड मैं आपको इसमें बताऊं जो मैं बता रही थी, दिस कंटेन्स एक्चुअली विटामिन ई, आलमंड ऑयल, एवोकाडो ऑयल, कैम्फर, त्रिफला ऑयल, कैरोट सीड ऑयल. आपको भी पता है कि घरों में भी जब पहले काजल वगैरह बनाते थे तो बोला जाता था कि कपूर में जलाओ. सो ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस से तैयार किया हुआ आपको ब्लू काजल है, बिकॉज ब्लैक तो आपको नेचुरल मिल जाएंगे कुछ और भी ब्रांड्स में, बट जब आप दूसरे कलर पे जाते हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड बिना केमिकल वाला काजल, तो वो ये ब्लश बी ब्रांड प्रोवाइड कर रहा है. मैं दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगी. आपको इससे रिलेटेड कुछ और क्वेरी जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं. ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना भूले नहीं. और मैं बहुत दिन बाद आई, इसका मतलब ये नहीं कि यू विल नॉट सब्सक्राइब माय चैनल. सब्सक्राइब करना ना भूलें. बाय बाय.